तो ये यहाँ के क्लिनिक है और ये यहाँ कंपाउंडर है, आप इसी इलाके के हैं। आपका क्या नाम है? अरुण भाई। आपका वहाँ मोबाइल है? नहीं, मोबाइल नहीं खरीदा। अच्छा अरुण भाई, आप क्या क्या काम कर लेते हैं? आप मेडिसिन सारे बना लेते, जो भी बीमारी की होती है डॉक्टर लिख के देते। मेरे पेट में दर्द है तो क्या खाऊं? बोलते हैं हाइसिन होती है डॉक्टर, बस वो खा लो। सब पेट में दर्द की दवाई, फिलाजिल भी होती है वो भी खा लो, जो दिल करे वो खा लो। सिरप भी है जैसे कैपिटल, तीनों इकट्ठा कर लो ज़्यादा फायदा होगा। तीन टाइम पीने पड़ेगा, तीन टाइम पीना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका क्लिनिक है यहाँ पे, अल्लाह बीमार ना करे तो अच्छा है। और यहाँ पर एक और उनसे कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं था पूरे पाकिस्तान से, मतलब एक ऐसे डॉक्टर जो मैं हैरान हूँ कि जिसने ये कुर्बानी दी कि इस इलाके में आके वो सुबह आता है ना। क्वालिफाइड डॉक्टर तो सवाल ही नहीं पैदा था आपको, जो आदमी 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो कहीं, लेकिन वो एक यहाँ उनको हमने लाए तो उन्होंने कहा मैं एक था। मैं बाकी डॉक्टरों से पहले लाया, कुछ डॉक्टरों ने मुझ पर नाराज़ हुए कि आप हमें लेकर कैसे गए, यानी आपने हमारी हम बेइज्जती कर दिया। हाँ तो अच्छा, हमें आप अगर 50,000 भी दोगे तो हम क्या नाम मेहमान ही जाएंगे। तो खैर ऐसे डॉक्टर की तो आपको ज़रूरत ही नहीं। हाँ ऐसे ज़रूरत ही नहीं, बहरहाल ये अल्लाह ताला ने एक डॉक्टर जो कचरा कुंडी के लिए पैदा किया था, तो बहरहाल ये हमें मिल गए पाकिस्तान में और माशाल्लाह 5 साल हो गए, 6 साल ये आ रहे हैं और यहाँ के इलाके को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ज़्यादातर सर्जरी के चोटें लगती रहती हैं काफ़ी कचरे पर, तो उसमें एक इनका तमाम बैंडेज वगैरह ये वो, बुखार ज़्यादा है, ये खांसी का बहुत है यहाँ पर, स्किन डिजीज़ भी काफ़ी हैं और लंग्स का बहुत है और कैंसर भी है, अस्थमा है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसका यह हल तो नहीं है कि हम डॉक्टर को रख के ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसका हल तो यही है कि जगह छोड़ें। अब ये कैसे इनको बताएँ कि जगह आप छोड़ के जो है कहीं और जाएँ, कचरे पर ना रहें, आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं सकते। अब ये है कि जैसे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं इनको कहीं काम मिलेगा तो ये कचरे पे फिर नहीं जाएंगे। अब जैसे ये बच्चा मैट्रिक कर लेगा तो हो सकता है ये इंटर भी कर ले, फिर कहीं पे इसको कहीं बेहतर किसी ऑफिस में या हमारे जैसे स्कूल में पढ़ा लेगा, पान की दुकान लगाएगा तो फिर वो भी सही है। हाँ पान की दुकान भी लगा सकता है, पान पसंद है ना, ये चार पान देंगे तो खुद ही खा ले तो कस्टमर तो घर में। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पढ़ाई से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा तो होगा इनको बच्चों को, अभी नहीं तो बाद में होगा। और फिर ये है कि थोड़ा सा इनका ध्यान भी बन रहा है कि बीमारी क्या है और सेहत क्या है और वालदेन क्या होते हैं, माशरा क्या है, लोग क्या हैं, तो थोड़ा बहुत काफ़ी सीख रहे हैं बच्चे। अगर आप आएँ किसी वक्त ऐसे टाइम पे जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप सवाल करें, अंदाज़ा होगा कि बहुत फ़र्क हुआ है तालीम से, और जिस तरह टीचर पढ़ाते हैं हमारे सर पे हाथ रखकर मोहब्बत के साथ, तो आप कहेंगे वाकई ये बहुत अमेजिंग मतलब है। कोई पक्की दुकान भी नहीं है जी, जी हाँ स्कूल बना के बैठे, और यहाँ पर तकरीबन ये कि मेडिसिन हम तकरीबन तमाम महंगी दवाएं भी रखते हैं, यानी कि सस्ती दवाइयाँ डिस्पेंसरी में दी जाती हैं वही हों, और फिर कहीं इलाज की भी ज़रूरत पड़ती है तो कोशिश करते हैं कि वहाँ भेज के इलाज भी करवा दें कहीं बड़े। मेरा सजेशन एक छोटा सा है ये कि आप एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर भी बनाएं, आपके 2200 बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं उसमें एक क्लास आप एंटरप्रेन्योरशिप की शुरू करा दें, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कारोबार की क्लास, जिस तरह से आप इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आप उसको बिज जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी तरीके से उसका जहन कारोबार के लिए तैयार करें। ये शुरू किया, ये आपकी आइडिया बहुत अभी 24 साल के बाद मेरे ध्यान में आया काफ़ी अर्से के बाद, इसके लिए मैं काम शुरू अभी बना रहा हूँ चीज़ें, और आपसे ही मदद लूँगा किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि बच्चे ना ये ना सोचें कि हमें पढ़ के नौकरी करनी है, नौकरी करनी ही नहीं, करनी ही नहीं है, काम करना है, काम करना है, बिजनेस करना है, कारोबार करना है, करोड़पति बनना है। जब तक वो करोड़पति, उसको तो दिमाग में करोड़ भी नहीं मालूम कि कितने कितने होते हैं, तो ही हैज़ टू इमेजिन कि 1 करोड़ इतने होते हैं, जब मेरे पास करोड़ होंगे तो मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, हर नौकर होंगे, चाकर सब कुछ होगा, लेकिन वो अगर अब उसके दिमाग में हम बीज भी नहीं लगाएंगे तो मुश्किल होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर यहाँ पे अगर आप एक खोलें और उसमें भी खोलें तो उसकी क्लास एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने वाला टीचर कंडक्ट करें, टीचर कंडक्ट करना, कंडक्ट करें और उसको कहें कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, और प्लस जैसे फॉर एग्जांपल बाहर बच्चे ने कहा 4,000 का मोबाइल आता है, मोबाइल 600 रुपये का आता है, तो अगर उसके हाथ में मोबाइल, उसके इल्म नहीं है उस चीज़ का कि भाई मोबाइल लो और इससे ये फ़वाद हैं, मैं आपको कंडक्ट कराने के लिए क्लासेस तैयार हूँ कि यहाँ पे उनको पढ़ाएं और उसके बाद उससे फ़ायदा क्या उठाना है वो भी मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से मोबाइल से कारोबार कर सकते हैं। घर में बैठे रहें, मोबाइल तो चार्ज 1 घंटे भी बैटरी तो आराम से चार्ज हो जाता है ना भाई, उससे कारोबार कैसे कर सकते हैं,
तो मोबाइल से कारोबार कैसे करते हैं वो भी पॉसिबल है। आपने जैसे खुद बताया आप ब्रोकरेज करते हैं, स्टॉक ब्रोकरेज क्या करते हैं, हेलो हाँ भाई खरीद लो, हाँ भाई भेज दो, स्टेट एजेंसी का काम करते हैं, हाँ भाई खरीद लो, हाँ भाई भेज दो, किस तरह हो रहा है? मोबाइल से ही हो रहा है ना। तो देर आर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जो मोबाइल से किए जा सकते हैं, लेकिन इनको क्योंकि इल्म नहीं है, उसका भी इल्म नहीं है और हम उसको उकसा भी नहीं रहे। हम यही कह रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा 10 साल का है 11 साल का, उसको छोटा रेडिया लगवा दें, दो घंटे रोज़ लगाए, वो उसकी क्लास है, वो उससे सीख रहा है कि बेचते कैसे हैं, नेगोशिएट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप जैसे कोई टक शॉप खोल लें, क्योंकि आपका खर्चा भी तो निकलेगा ना, एक छोटी सी दुकान खोल लें, अगर जनरल स्टोर आप ही खोल लें, उसमें दो बच्चे यहाँ पे इसके साथ पार्टनरशिप कर लें कि भाई ये मैं माल रख रहा हूँ 5,000 रुपये का, जो कमाओगे उसमें से 50% तुम्हारा, 50% तनख्वाह वनख्वाह नहीं लूँगा। अच्छा अब यहाँ पे अभी खाने के लिए भी मुझे बिस्कुट चाहिए, नहीं है दुकान है, दुकान है कोई यहाँ आगे तो कॉलोनी के साथ आप बैठे हुए, छोटी सी अगर आपने बिस्कुट पानी मोबाइल टॉपअप, मोबाइल का टॉपअप आपकी 10-15 हज़ार रुपये की इनकम शुरू हो जाएगी यहाँ से, उससे इन लोगों को एक आदमी की नौकरी भी हो गई, एक आदमी का बिजनेस भी हो गया। सो वो भी एक मेरा ख्याल है कि सजेशन जैसे आप बेहतर समझे, काम करते हैं तो जहन नहीं, 99% तो काम ही है, कारोबार ही है, या कोई आईडीए में जाते हैं बच्चे तो मेरे वो जाके फिर उस उम्र में जाके 22 साल 23 साल की उम्र में जाके कारोबार करना सीख रहे होते हैं। हम इनको अगर शुरू से बना देंगे तो वो बड़े कारोबारी बन जाएंगे। आपको काम करना है अभी तो नौकरी का जहन बना रहे हैं, नौकरी का जहन बना रहे हैं, वो तो 10,000 रुपये 15,000 रुपये गाड़ी खत्म गुजारा तो नहीं कर सकते।